वाला मैं थोड़ा सा पीछे रुके स्टाइन नाला से, तो अभी स्टाइन नाला आने वाला है और आता है तो स्टाइन नाले का व्यू भी रखते हैं और बड़े भी हमारे साथ, तो इंजॉय करिए। तो भाई साहब आने वाला है स्टाइन नाला, तो देखिए आप एंजॉय करिए। चुका है स्टाइन नाला, तो इसको देखिए आप जाए करिए क्या एरिया यार, क्या ब्यूटी है। बर्फ़ की लैंड स्लाइडिंग होती है, पहले ये शेड बनाया हुआ है ताकि जो ऊपर से बर्फ़ आती है ऊपर से सीधे नीचे गाड़ी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। पहुंच गया अब अभी बिनाल टंडल में, इधर के ब्यूटी बताते हैं हम कैसी है। बने रही आप हमारे साथ, देखी आ गई क्या क्या नहीं। ये आ गया टंडल, ऐसा टाइट सा टंडल है, फिक्स गाड़ी जाती है पूरी तरह से। बने रही आप हमारे साथ, हम आपको हाल बताते हैं। तो भाई अभी हम आने वाले हैं टंडल से बाहर, तो टंडल हो गया खत्म, तो देखते रहिए आप। इस तरफ की कुछ ऐसी ब्यूटी है, देखिए आप नज़ारा लीजिए भाई साहब, नज़ारा लीजिए। बाद में मत बोलना कुछ मज़ा नहीं आया यार, यही टाइम है अभी लाइफ का नज़ारा लेने का, तो इंजॉय करिए। हम आपको आगे भी बताएंगे ब्यूटीफुल प्लेस, तो बने रहिए हमारे साथ। इधर से भाई साहब जम्मू जाने वाली गाड़ियाँ रुकी हुई हैं नाके पे, इस नाके का नाम है चेक पोस्ट, तो इधर रुकी हुई हैं सभी गाड़ियाँ जाने वाली। तो
बैठी है आप। को पैसेंजर गाड़ी चल भी रही थी यार, फिर भी समझ नहीं आ रही, इधर भी बहुत रुकी हुई है, कहाँ से आ रही थी गाड़ी यार। हाँ मैं देखी होगी वीडियो में, अभी बहुत गाड़ी आ रही है, रोड तो ऊपर भी लगी हुई है। करिए भाई साहब नज़ारा लीजिए कश्मीर का, जो पीछे अभी टंडल क्रॉस किया ना, उस टंडल के उस तरफ जम्मू डिवीज़न है, मगर वो टंडल क्रॉस करने के बाद इसके बाद इस साइड लग जाता है कश्मीर डिवीज़न, श्रीनगर डिवीज़न। तो अभी हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर डिवीज़न में, चल रहे हैं लगातार, करिए इंजॉय। आप आगे भी बताएंगे हम आगे का एरिया आपको, इंजॉय करिए भाई। तो भाई साहब अभी हम पहुंच चुके हैं लोअर मंडा में, तो देखिए आप यार लीजिए नज़ारा, लोअर मंडा का नज़ारा लीजिए। ये लोअर मंडा एरिया है जहाँ पे इधर कोरोना टेस्ट भी होता है, टाइम पे यहाँ पे इधर टोल प्लाजा होता था, जो श्रीनगर गाड़ी आती थी वो इधर टोल कटवाती होती थी लोअर मंडा में, उसके बाद आगे श्रीनगर में एंट्री होती थी। और अब तो जो टोल दूर तो उठवा रही है उन्होंने इधर से, अब क्या सब का उठवाया हुआ है, मेरे हिसाब से 2-2.5 साल से ऊपर ही होने वाले हैं। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, करिए एंजॉय आगे का व्यू, ब्यूटीफुल प्लेस। गाड़ी कहीं घुसाई है, एक ऐसी टीम है कहीं घुसाई है यार, ड्राइवरों का भी कुछ कहना नहीं रहा, ऐसी ऐसी फीलिंग देते हैं ना जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। पर वो चंद अजूबे लोग आते हैं यार ऊपर से, मगर एक बार नज़ारा यार, इंजॉय करिए आप। आगे आगे व्यू भी बताएंगे हम आपको, क्या है क्या नहीं क्या सिस्टम है, बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए आप इधर का नज़ारा, ये देखो बेसिकली क्या कर रहे हैं, गाड़ी लगवा दी साइड। तो देखा भाई साहब अभी 200 रुपया दे के जान चढ़वाई है यार, क्या कहें यार, कुछ नहीं कह सकते। पुलिस कहेंगी या पुलिस है, पुलिस क्या है यार, पुलिस तो फिर हो गए, ट्रैफिक वाले वैसे ही नहीं मानते यार, ट्रैफिक पुलिस है ना जो, इसमें वैसे ही बहुत ज़्यादा यार, इतनी भूखमरी पड़ी हुई है। फिर अभी इधर से 200 लेते हैं ड्राइवरों से, बाद में किसी के फिर बच्चे लंगड़े होते हैं, किसी की बाजू नहीं होती, किसी का कुछ होता है, तो क्योंकि ड्राइवर को बस चलाओ तो लगना ही लगना है ना, वो थोड़े हो सकता है, क्योंकि ड्राइवर ने बदवा देनी है पूरी डे नाइट चल चल के। तो जो पैसे कमाते हैं 10-10 करके पैसे इकट्ठे करते हैं, तो वो ले जाते हैं यही, तो फिर उन्होंने बदवा ही देनी है और क्या उनके पास इसके अलावा। फिर कुछ गाड़ियों वाले हमारे मार मतलब कि कई बार जी आगे छलांग लगा देते हैं फिर मर जाते हैं, क्योंकि इनकी नीत भी भरने की है, फिर 200 रुपये के लिए ना गाड़ी के आगे क्या है, गाड़ी के नीचे भी लेट जाते हैं यार, क्या बताएं हम आपको। अगर कश्मीर की जो है ना ट्रैफिक पुलिस है ना, क्योंकि इधर ऊपर पूछने वाला कोई नहीं, सब ऊपर तक खाते होंगे ना तभी ऐसे चलता है, बाकी बाहर फिर भी जो है ना अगले पूछते हैं कि अंडर लोड है अंडर हाइट है, तो चलो कोई बात नहीं, मगर इधर अंडर लोड अंडर हाइट का कोई मतलब नहीं है, इधर सिर्फ पैसा दो तो निकलो। अभी मैंने 200 रुपये दिया तो मैं निकल के आ गया, तो वो जो आगे गाड़ी थी उन्होंने नहीं दिया होगा, कोई मजबूरी होगी, मगर उसको अब चलान करेंगे, चाहे डॉक्यूमेंट पूरे भी होंगे ना तब भी उसके चलान।
मन करें कुछ ऐसी चीज ढूंढेंगे कि ये दे ही दे कुछ खाने के लिए तो ठीक है, अगर ना दे तो फिर फड़का भरेंगे कम से कम भी 2-3 हज़ार का। तो बाकी जब पहुंच चुके हैं काजीकोट बाईपास की कानवाई को खड़ी हुई है, ये वेट कर सकते हैं आप, देख सकते हैं आप, तो वेट करनी है गाड़ी जम्मू का। काजीकुंड बाईपास की कानवाई, इसके बाद हम कानवाई की उधर काजीकुंड के पीछे की कानवाई बताएंगे, वो ही देखना बने रही आप हमारे साथ। आ गया अभी काजीकुंड दूसरा नाका, तो इसके बाद पीछे कोई कानवाई नहीं रोकते, यहाँ ही रोकते हैं लास्ट में कानवाई। बढ़िया नज़ारा है इधर का, एंजॉय करिए। अभी हम आपको आगे का ही बताते हैं, थोड़ा सा चार ही रखे हैं क्योंकि बाद में वीडियो लंबी हो जाती है, देखता नहीं है भैया। तो बन रही आप हमारे साथ अभी बताएंगे हम आपको जो छोटा एरिया हुआ जहाँ यूटी होगी यहाँ पर बनाएंगे, देख रही है। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुँच चुके हैं छिपाइया में, तो माल इधर छिपाइया का था, उधर तो लिखा हुआ था उसमें पुलवामा लसीपुरा, मगर इधर माल छिपाइया का था। व्यापारी को फ़ोन किया बोला छिपाइया ना, अब उधर छिपाइया में पहुँच चुके हैं हम। अब तो ये आप देख सकते हो इधर पीछे बोर्ड भी दिख रहा होगा, मैं आपको बाद में टाइम लगा तो बताऊंगा। इधर से रजौरी पुंछ भी जाता है रोड, तो इधर श्रीनगर भी जाता है, हर जगह जाता है। तो मुगल रोड जाइए जो सामने दिख रहा है, ये मुगल रोड ही है। तो बड़े नहीं आप हमारे साथ आगे दिखाएंगे हम आपको। तो सो गाइस हमारी गाड़ी होने लगी अब अनलोड, तो इधर अंदर फैक्ट्री में अनलोड करेंगे। तो देख सकते हैं आप, तो गाइस अभी हमारी गाड़ी हो चुकी है खाली, तो अभी हम इस गेट से निकलेंगे बाहर, तो बाकी देखते हैं आगे, एंजॉय करिए आप। इधर का व्यू, बाहर का एरिया भी बताएंगे हम आपको, बने रहिए आप हमारे साथ। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं उधर से बाहर, तो मैं रोड के ऊपर आ गए हैं हाईवे के ऊपर, तो अभी हम चल रहे हैं लगातार, आपको दिख रहा होगा। तो बाकी ये दाहिने और बाईने दोनों साइड सेबों के पेड़ लगे हैं, जो बाग लगे हुए हैं सेबों के, तो देखिए आप एंजॉय करिए भाई, एंजॉय करिए, यही नज़ारा जिंदगी का। आगे ऊपर 4 लेन, तो नीचे से हम इस पुल के नीचे से घुसेंगे और इधर से बाइने और कार लेंगे, लेने के बाद वापस 4 लेन पे चढ़ेंगे, तो गोइंग फॉर दिस काजीकुंड, मतलब कि रवाना हो जाएंगे काजीकुंड की तरफ। भाई यार इधर से बाइने ले लिया, देखो देखो अब यही तो नज़ारा यार, इंजॉय करो। देखो कार वाले कितने इतने अच्छे ड्राइवर हैं यार, क्या कहूँ मैं, कुछ नहीं कह सकता यार, मेरा दिल खुश हो जाता है ऐसे ड्राइवर देख के। लाखों में एक क्या, 10,000 में 500 मिल जाएंगे ऐसे। तो अभी हम इधर से चलेंगे 4 लेन के ऊपर, तो से घूमेंगे भाई जान, तो देखिए आप एंजॉय करिए। अभी हमने इधर से ले लिया टर्न, तो चढ़ गए हैं 4 लेन के ऊपर। अब 4 लेन का नजारा लीजिए भाई जान, क्या कर रहे हो, वो इतनी टेंशन थोड़े लेनी होती है यार जितनी आप ले लेते हो, बस एंजॉय करिए।
तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं काजीगुंड, जो लाइन है लाइन के बीच पहुंच चुके हैं, मतलब कि बिस्सू की चढ़ाई में इधर से लाइन शुरू हो गई, तो इधर बिस्सू की चढ़ाई में हम पहुंच चुके हैं। तो वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं हमारे साथ, देखिए एंजॉय करिए व्यू। वाओ यार क्या ब्यूटी है यार, वाका यार देखने में यार रोमांटिक सीन लगता है। देखिए बाहर की ब्यूटी भाई साहब, ये देखिए मुझे शीशा थोड़ा गंदा हो रखा है, छोड़ दी है। आप कहाँ पे हो? हम तो यहाँ पे बिस्सू की चढ़ाई पे हैं। की चढ़ाई में खड़े हुए हैं, तो रात को इंतजार कर रहे थे गाड़ियों का कि गाड़ियाँ छोड़ेंगे, तो चलो हम आपको इधर का आगे का एरिया भी बताएंगे चलने का या कानवे छोड़ने का, तो उसके बाद ब्लॉग को एंड करेंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, गाड़ी छोड़ ही नहीं यार, पूरी रात इंतजार में गुजर गई है। तो मगर हम इस ब्लॉग को करते हैं इधर ही एंड, तो आगे इधर से नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, शूट करेंगे, तो ये ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं। तो अच्छा फिर बाय फ्रेंड्स, बने रहिए आप हमारे ब्लॉग के ऊपर, तो चैनल सब्सक्राइब और शेयर करना लाइक करना मत भूलिए, तो देखते रहिए कंटिन्यू, इंजॉय करिए।